शुरू कर दिया जाए। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से एक नई शुरुआत होगी सुपर टेट। जी हाँ, बिल्कुल सुपर टेट। अध्यापक बनने की इच्छा रखने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं आ जाएं और इस योद्धा बैच में हम लोग बिल्कुल योद्धा बन के लड़ाई करेंगे, मतलब पढ़ाई करेंगे, है ना। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए हमारे पास खतरनाक हथियार होने चाहिए, ये आप सबको पता है। उसी तरह से अगर इस परीक्षा को जीतना है, पास करना है, क्रैक करना है, तो इस परीक्षा की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसका क्या सिस्टम है, कितने अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, पहले सभी जुड़ गए हो, फिर आगे बढ़ते हैं। लवली, कमेंट आपका आ रहा है। पूजा सिंह, मोहित, मनोज अग्रहरी, अखिलेश यादव, श्यामा कुमारी, हाँ सबके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा चल रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले साथियों, कुल मिलाकर के आपका 150 अंक का पेपर होगा, ये आप सबको पता है, जिसमें से 20 अंक के मैथ आएंगे भैया, यानी 20 प्रश्न मैथ के आएंगे और 20 नंबर के, और वो मैथ आपकी अलग अलग क्षेत्र में बटी हुई है, बीजगणित, रेखा गणित और अंक गणित। बहुत सिंपल है मैथ, ये जान लो पहले, अपने मन में विश्वास कर लो कि मैथ बहुत आसान है, मैथ के लिए तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, एकदम आसान है। चलिए, पहला आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन एक है मुख्य की कुल कितने खंड होंगे, कुल कितने सेक्शन होंगे पेपर में, और प्रत्येक से कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन आएंगे। तो इसका सही जवाब है कि कुल 4 सेक्शन में पेपर बटा होगा, ए बी सी डी, इन 4 सेक्शन से मिला करके 20 क्वेश्चन आने हैं, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ मैथ के पेपर के बारे में बात करूंगा, सिलेबस क्या है, कितने अंक के आएंगे, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है, कहां से क्या आएगा, ये आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले सेक्शन से आपके 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है अभी मैं दिखाऊंगा, बस कुछ ही सेकंड का इंतजार है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, और भैया बाबू सेक्शन बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत कम है, पढ़ना बहुत कम है, लेकिन सेक्शन बी से 5 से 6 अंक आएंगे कुल मिला के, मान लो, ठीक है। सेक्शन ए में पढ़ना 15 चैप्टर है लगभग, 15 से ज्यादा 18-20 चैप्टर, इसमें 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन सी, इसमें से आपके 1 से 2 अंक के प्रश्न आएंगे, अभी दिखा रहा हूं किस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम सब दिखा रहा हूं। सेक्शन डी में भी 1 से 2 अंक के मान लो आएंगे लगभग, यही मोटा मोटा, कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन आएंगे इन सब में से क्वेश्चन पक्का है। जहां मैंने 12 बताया, हो सकता है 10 आए या 11 आए, कुछ भी, लेकिन ये कंफर्म आएगा। अब सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ना है, देखो
सेक्शन ए मीन्स द ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, जिसे बोलते हैं व्यवहारिक गणित, या इसे आप अर्थमेटिक वाला पार्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अर्थमेटिक वाला पार्ट भी कह सकते हो। इसमें से 10 से 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? बोलो, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति है, करणी है, घातांक है, भिन्न है, वर्गमूल और घनमूल है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं। आगे देखो क्या है इसमें, और औसत है, अनुपात और समानुपात है, जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अगर ध्यान दो तो। उसके बाद लाभ और हानि भी आप इसी चैप्टर इसी सेक्शन में पढ़ेंगे, मतलब सेक्शन ए में। ये 9 चैप्टर हो गए। अगला देखो, 9 के बाद 10 नंबर है आपका डिस्काउंट, जिसे बट्टा बोलते हैं। 11 नंबर आप इसमें पढ़ेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी सिस्टम यानी एक नियम, उम्र से संबंधित प्रश्न और कार्य तथा समय, मिश्र समानुपात, क्षेत्रफल और आयतन यानी मेंसुरेशन भी आप सेक्शन ए में पढ़ेंगे। ये सभी 18 चैप्टर मिला करके आपके 12 अंक के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने? 12 अंक के। ठीक है बाबू, सेक्शन बी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी यानी आपका बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रा के पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से साइड में देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी। इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है लेकिन अंक खूब भर भर के हैं। सेक्शन बी बेसिक ज्योमेट्री, सॉरी अभी अलजेब्रा पे नहीं चल रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री में आप लाइन, एंगल, पॉलीगॉन, ट्राइंगल, ट्राइंगल से रिलेटेड जो थ्योरम वगैरह हैं वो सब पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र और त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, ये आप सेक्शन बी में पढ़ेंगे। त्रिभुज का अंतः केंद्र, परिकेंद्र यानी सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये सब पढ़ेंगे आप सेक्शन बी में। सर्कल यानी वृत्त भी आप इसी सेक्शन में पढ़ेंगे, बी वाले में। वृत्त की स्पर्श रेखा, जीवा और वृत्त से संबंधित परमीय यानी थ्योरम आप सेक्शन बी में पढ़ेंगे। सेक्शन बी से 5 से 6 अंक के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, कंफर्म बनेंगे। ठीक है, आगे देखते जाइए। आपका जो सेक्शन सी बनेगा वो आपका स्टैटिक्स से होगा, यानी आंकड़े वाले पार्ट से, एक प्रकार से जो माध्यमादिका बहुलक आप लोग पढ़ते हैं, परिसर तथा इनमें संबंध, ये सब आप पढ़ेंगे किसमें? सेक्शन सी में। सेक्शन सी से 1 से 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ये मत सोचना कि इसमें 1 या 2 अंक आएगा, आधा आधा का आधा अंक सुपर टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0.01 मार्क्स से भी गड़बड़ हो सकता है। तो फिर यहां पर 1 अंक की बहुत बड़ी कीमत है। सेक्शन डी में देखो क्या क्या है। सेक्शन डी आपका है बाबू अलजेब्रा वाला पार्ट है भैया, बीजगणित वाला, दिख रहा है ना? सेक्शन डी से भी 1 से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे, सर्व समीकाएं, शेषफल परमीय, रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंड परमीय, गुणनखंड परमीय मतलब फैक्टर थ्योरम, युगपत समीकरण, सिमुलेटनेस इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तथा इनकी मूल्यों की प्रकृति एवं अन्य सर्वसमिका वाले प्रश्न, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये आपका पूरा सिलेबस जो था डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट की। मोना शर्मा कमेंट आपका आ रहा है, सुक्रिया खातून आपका भी कमेंट आ रहा है, रणबीर जी आपका भी कमेंट आ रहा है, पंकज सिंह सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। आप सिर्फ क्लास पे ध्यान दीजिए बस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है घातांक। घातांक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि घातांक में जो है वो आपका अलजेब्रा और अर्थमेटिक दोनों कम्बो टॉपिक है। ठीक है, दोनों कम्बो टॉपिक है, अलजेब्रा और अर्थमेटिक। घातांक के जो क्वेश्चन है दोनों से बनते हैं। अभी मैं दिखाता हूं, आप समझ लीजिए। अब तक सीटेट की जो दो परीक्षाएं हुई हैं और सुपर टेट की दो परीक्षाएं और यूपी टेट की अगर 10 में से 9 परीक्षा देखा जाए तो सब में एक एक क्वेश्चन जरूर आया था घातांक से। एक परीक्षा जो लीक हो गई थी, आउट हो गया पेपर, उसको ले करके, और शायद 2011 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यूपी टेट में घातांक का क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी लगभग सभी में हर साल आता है घातांक का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे आज का क्लास। ठीक है, क्योंकि आज आप जान लीजिए आपका एक प्रकार से ये डेमो क्लास है। क्या है ये डेमो क्लास है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अब तक तो सिलेबस डिस्कशन हो रहा था। पहले सभी एक बार कमेंट करके यस बोलेंगे कि आप सभी जुड़े हो। बोलो सभी यस। अन्नू पांडे, हाँ आपका कमेंट आ रहा है अन्नू जी, बिल्कुल कमेंट आपका आ रहा है, दिख रहा है मुझे, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। घातांक का नियम, इंडिसेस, ये क्या होता है, आइए बात करते हैं पॉइंट पॉइंट पे। साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। पहला नियम है गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए लेके आया हूं जिससे आप फटाफट कर सकें। लिखिए घातांक का पहला नियम, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। जैसे अगर यहां पे मैं साइड में लिखूं, फर्स्ट आप लिखिए गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं लेकिन कंडीशन है नोट आधार समान होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे अगर a का पावर m है इंटू a का पावर n है, इनको गुणा करेंगे तो इनके पावर आपस में एड हो जाते हैं, m प्लस n, ये आपका घातांक का फर्स्ट नियम है। इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल से सारी बातें क्लियर करूंगा, यू डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेने का भाई। चलो रौनक समझ में आ रहा है, अनु पांडे, राकेश, अखिलेश यादव, एमडी इमरान, सबको समझ में आ रहा है? तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहें हमारे साथ। तो घातांक का पहला नियम आप पढ़िए, मैं इसको स्क्रीन से हटा दूं, रहने दो। चलो सुनो, देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने लिखा 5 का घात 3 गुणा 5 का घात 2, तो ये हो जाएगा 5 का घात 3 धन 2। फाइनल में 5 का घात 5 हो जाएगा। मैं इसको प्रूव करके दिखा दूं, चलो इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूं ये सही है कि नहीं। आओ देखो प्यार से, ये हो गया आपका घातांक के नियम में इतना। ठीक है, आप इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, सही है गलत। देखो एक्चुअली 5 का घात 3 करोगे बाबू तो 125 आएगा, 2 पावर करोगे तो 25 आएगा, और ये 5 का पावर 5 आ जाएगा। एक मिनट, यहां पे गुणा का चिन्ह लगा भाई, सॉरी मल्टीपल लगा है। 125 को जब 25 से मल्टीपल करोगे तो 3125 आएगा। क्या आएगा? 3125 आएगा।
और इसका 5 का 5 पावर लगाओगे ये भी इतना ही आएगा, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड अथा सिद्ध हुआ। बोलो समझ में आया? यस सबको समझ में आया? एक बार यस बोलिए, मैं मार्कर में इंक डालता हूं। बोलो, मैं साइड हट गया हूं। चलो भाई लिख लीजिए जिनको लिखना है, मैं साइड हो गया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सुपर टेट देना है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूरी गारंटी है कि आएगा। अब कौन सा आएगा जो मैं लिखा रहा हूं यही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसी रूल पर आएंगे, मतलब जो रूल पढ़ाए जाएंगे। चलो जिनको ना समझ में आया थोड़ा सब्र रखें, तसल्ली रखें, आगे देखें। दूसरा दूसरा एग्जांपल देखिए, दो का पावर 7 और 2 का पावर 3, इनका मान कितना आएगा बोलो? देखो बहुत सिंपल है भाई, देखो बाबू बहुत सिंपल है, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है ये, तो इनका आप मल्टीपल करोगे घाते जुड़ जाएंगी, बहुत आसान है। 2 का पावर 7 करके देखो 128 आएगा, इनटू ये 8 आएगा, करके देखो 8 का इसमें मल्टीपल करोगे 124 आएगा, 1024, यही इतना इसमें भी आएगा। बराबर आया ना? ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि जो घातांक का नियम है सही है कि नहीं, सही जा रहा दोनों कंडीशन में। दोनों कंडीशन में सही जा रहा है। ओके चलो ठीक है, डोंट वरी। चल भाई राजीव जी गुड इवनिंग। चलो चलो भाई आगे बढ़े। ओके तो ये मस्त है एकदम। इस तरह से आप समझ गए घातांक का पहला नियम। अगर बहुत लंबा इसमें खींचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक आध एग्जांपल और लिख लीजिए फिर मुझे बताइएगा। सुनो एक आध एग्जांपल और बताऊं? इस पर आधारित एक और है, 5 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1, इसको आप लोग करके मुझे बताना, मुझे लग रहा है ये भीग गया। घातांक का दूसरा नियम दिखाइए। चलिए पहला हो गया, सेकंड रूल, घातांक का सेकंड नियम, दूसरा और तीसरा नियम क्या कहता है? भाग करने पर घाते घट जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ये भी है। भाग करने पर घाते घट जाती हैं। आधार समान होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। जैसे a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, तो घाते घट जाती हैं, मतलब m माइनस n। समझ के चलना, इसमें से एक जरूर आएगा क्वेश्चन, एक नंबर पक्का आएगा 100%। चलो देखो इसमें एग्जांपल देखो, कुछ भी ले लो, जैसे 3 का पावर 7 डिवाइड बाई 3 का पावर 2, तो ये 3 का पावर 7 - 2 हो जाएगा। इनको आप हल करोगे ना तो जो आएगा वही इसको हल करने पर भी आएगा। चाहे तो आप करके देख लो एक बार, चाहे तो आप एक बार करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, करके दिखा दूं क्या? करके दिखा दूं कहो तो। चलो देखो भाई 3 का पावर 7 करो, करो, और 3 का पावर 2 करो। देखो भाग में है, थोड़ा एक चीज में साइड में बताना चाहूंगा, यहां समझो, यहां समझो,
अगर मैं 3 का पावर 7 को ऐसे लिख दूं, सोचो ऐसे ऊपर नीचे ना भाई, लिख सकता हूं ना ऐसे, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, देखो समझो, ये 3 हो गया 4 5 6 7 और ये 3 का पावर 2, मैं ये 2 से काट दिया, 2 3 नीचे का 2 ऊपर का काट दिया, ऊपर कुल मिला के 5 3 बचा है, तो 3 का पावर 5 लिख सकता हूं, ये भी 5 लिख सकता हूं, ये देखो बराबर हो गया ना, बस भाई गुणा करोगे 5 बार करके देख लो तब भी वही आएगा, सिंपल है। सबको समझ में आया? लिख लीजिए, जल्दी करिए, लिखिए, आगे बढ़े, बहुत जल्दी करिए। अखिलेश बेटा पढ़ाई जो हो रही ना उसको पढ़ लो पहले। हाँ? सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करें, जितने भी सुपर टेट के कैंडिडेट हैं वो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। क्लास का समय प्रत्येक शाम 8 बजे से, अब प्रत्येक शाम 8 बजे। अब अगला देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल और देख लीजिए पहले, अभी कुछ एग्जांपल और, जैसे 9 का पावर 2 डिवाइड बाय 9 का पावर 1, तो भाग करने पर घाते घट जाती, मतलब ये है, बस ये हो गया आंसर, यानी 9 का पावर 1 इसका आंसर हो गया मेन। अगर इसे प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हो, 9 का पावर 2 into इसको भाग वाला कर लो, हल करोगे दोनों बराबर आएगा, जैसे अभी मैं दिखाया वैसे, चाहे तो कर लो, नहीं कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, 7 का घात 3 डिवाइड बाई 7 का घात 2 इक्वल ये 3 माइनस 2 बराबर 7 हो जाएगा 1। ये आपका दूसरा नियम हो गया। सबको समझ में आ गया तो एक बार यस बोलो। पक्का सबको समझ में आया? सुधांशु बोल रहे हैं कि सर पावर नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सुधांशु जी देखिए, इस पे 1 पावर लगाए या ना लगाए कोई मतलब नहीं, हाँ चलेगा, ये 1 लगाओ या ना लगाओ, ये तो मैं समझा रहा था, लगा दिया, क्योंकि 1 पावर का मतलब भी वही होता है, जो नंबर है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2 या 3 कुछ और है तो उसे लगाना जरूरी है। नियम तीसरा देखिए, कह रहा जब घात के ऊपर घात हो तो सभी घातों का आपस में गुणा कर लिया जाता है, यानी कहते हैं ना नारियल के बीच नारियल, नारियल के बीच नारियल, देखो कौन सा ऐसा चीज होता है, प्याज में ऐसा होता है ना, हा? होता है ना, देखो कैसे। तीसरा नियम, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा कर लिया जाता है, जैसे 1 का पावर मान लो यम है, इसके खोपड़ी पे यन है, इसके खोपड़ी मान लो पी है, यानी एक दूसरे के ऊपर घात लगी है, तो देखो बाबू यहां पे ये हो जाएगा 1 का पावर m into n into p, ये रूल होता है घातांक का, ये नेक्स्ट नियम है कि अगर घात के ऊपर घात लगी है तो उनका आपस में घातों का गुणा कर लिया जाता, बस ठीक है। एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, काठी एग्जाम्पल छोटा लिखोगे तो अच्छा रहेगा, 2 का पावर लिखो 2 3 1, ये उदाहरण है, तो इसका मतलब ये है कि 2 का पावर 2 3 1, चाहे तो इन्हें अलग अलग हल करके सिद्ध भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये हो गया। मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं,
देखो भैया, दो पहले ये छोटा कोष्ठक हल करोगे बाबू तो ये हो जाएगा 2 का घात 2 मतलब 4, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा, 4 का घात बाहर से 3 करोगे तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और बाहर से घात 1 है, अगर 64 का घात 1 करोगे तो 64 ही रहेगा। और ये क्या होगा, 2 का घात 2 तिहाई 6, तो भैया हो 2 का घात 6 का मान भी 64 ही होता है, हल करके देख लो। बोलिए, सबको समझ में आ गया? ये था घातांक का तीसरा नियम, एक बार फिर याद दिला दूं, जिनको भी सुपर टेट देना है 100% नहीं 110% गारंटी है कि घातांक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर बार आया है, तो याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेश जी बहुत बहुत वेलकम है, पढ़ रहे हो ना। तो सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ये आपका फर्स्ट डेमो क्लास है, इसका पूरा क्लास आप जल्दी से जल्दी पीवीआर स्टडी एप्स में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन सुविधाओं के साथ। इस पर और एग्जांपल चाहिए, एक और करो। तीन का घात 3, 2 और 5, घाते का हो जाएगा गुणा ये 3 × 6 = 35, हल करके मुझे बताओ सही है। मस्त आ रहा ना एकदम। चलो इनको आप कर लेना तीसरे वाले नियम पे, और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितने भी रूल हैं यहां पर सारे कर जाएंगे। कुछ भी ऐसे एग्जांपल बना लो जो अगर घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात लगी है तो सभी घातों का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, बस ये शॉर्टकट तरीका इसका नियम है। अब अगला कुछ समझने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, अगला नियम, इनको आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, अभी पढ़ाई नहीं हो रही, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस दिखा रहा हूं और थोड़ा थोड़ा परिचय करवा रहा हूं, बाकी डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अगला नियम है, जब आधार बराबर हो और 2 पद बराबर दिए हो तो घातों को बराबर कर लिया जाता है। समझिए, अभी ये चौथा नियम समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। चौथा नियम समझने के लिए आप एग्जाम्पल देखिए पहले। समझिए, बिना एग्जाम्पल के आप इसे नहीं समझ पाओगे। जैसे a का पावर m और बराबर में कहीं a का पावर n दिया है, तो साथी मेरे इसमें देखो आधार बराबर है ना, ऐसी कंडीशन में हम घातों को बराबर कर लेते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो कैसे कैसे, देखो जैसे 12 का पावर सी है और 12 का पावर 4 है, तो भैया मेरे बाबू यहां सी का मान पूछा जाएगा तो 4 होगा, ये आपका उदाहरण है। बोलो समझ में आया? ये नियम है आपका, नियम ये घातांक का नियम 4 है, इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। उदाहरण अगला देखो, अगला देखो भैया, जैसे 9 का पावर x और 9 का पावर 5, आधार आधार बराबर है इसलिए घातों को बराबर कर लिया जाएगा, ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया। इस घातांक के नियम पे आपको चीजें समझ में आई? निधि कुमारी आया समझ में? कबीर आया? पक्का? बेसिक मैथ वालों को याद दिला दें, उनकी जो सुदर्शन बैच चल रही थी उसका एक वीडियो प्रत्येक शनिवार को आएगा, सप्ताह में सिर्फ एक वीडियो आएगा,
यूट्यूब पर। बाकी हमारा फोकस होगा सुपर टेट, सी टेट और SSC, UPSI, UP SSSC पर। PBR स्टडी ऐप में बेसिक मैथ की क्लास रेगुलर चल रही है, आप चाहें तो जाके इनरोल कर सकते हैं इस समय 50% डिस्काउंट के साथ। समझ में आया एक बार यस तो बोल दो कम से कम, काहे को शर्मा रहे हो। ये कर लेंगे, अगला नियम देखिए पांचवा, पांचवा नियम देखिए, जब किसी चर या अचर की घात शून्य हो। वैसे इसके अलावा एक नियम इसमें और भी था शायद, इन्होंने पूरा नहीं लिखा क्या, मैंने तो इन्हें दिया था। हाँ, इसमें पांचवा देखने के पहले एक चीज और समझ लीजिए, पांचवा हटा दीजिए पहले, एक चीज और समझिए साथी मेरे, इसका सेकंड पार्ट देख लो उसी नियम का जो खत्म हुआ। जब कुछ ऐसा दिया हो, यहां पर बेस अलग अलग हो, घाते बराबर हो, तब ऐसी स्थिति में ए बराबर बी कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, अगर कहीं आधार अलग अलग है, घाते बराबर हैं और वो बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है तो हम बेस को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिला, आपसे पूछे यक्ष का मान बताओ इसमें, तो बेटा बाबू भैया राजा यक्ष का मान 3 आएगा, यानी ये यक्ष और ये 3 बराबर। ये घातांक का नियम था कि अगर बेस अलग अलग है, घाते बराबर हैं, तो हम आधार आधार को बराबर कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे बीच में बराबर लगा होना चाहिए, गुणा भाग नहीं। यहां वाई का मान बताओ कितना आएगा, फटाफट बताइए कितना आएगा, बातें समझ में आ रही। चलो इनको कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पांचवा नियम है एक, जब किसी चर या अचर की घात शून्य हो, इसे हर कोई जानता होगा, जानते हो कि नहीं, जब किसी चर या अचर की घात शून्य हो, पावर 0 हो, तब क्या होगा। पांचवा नियम में ऐसी स्थिति में उस वेरिएबल या कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, बस ये याद रखना। जब किसी चर या अचर की घात शून्य हो तब उसका मान 1 होता है। देखो जैसे यक्स का पावर 0, इसका मान 1 होता है, अगर 5 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। कहीं भी कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट है, अगर उसकी पावर 0 दिया है तो उसका मान 1 होगा, बस। समझ में आया? तो ये था आपका घातांक का नियम, उम्मीद है आप इसमें समझ पाए होंगे। और इस तरह से आपका जो भी सिलेबस डिस्कशन था, घातांक के कुछ बेसिक रूल्स थे, वो खत्म होते हैं।